गिरिडीह के डुमरी में पुलिस ने डाबर कंपनी के नाम पर नकली दवा बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। दरअसल दिल्ली स्थित डाबर कंपनी को सूचना मिली कि डुमरी थाना क्षेत्र के हेट टोला निवासी भागीरथ महतो पुदीन हरा बनाने का काम करता है, जिस पर डाबर का रैपर लगाता है। गुप्त सूचना से पता चला है कि डुमरी में डाबर का पुदीन हरा सेल हो रहा था नकली। इसकी सूचना एसपी को दी, एसपी साहब के द्वारा थाना प्रभारी के साथ मिलकर हम लोग रेड किए और जब्त हुआ है डाबर का पुदीन हरा। कितना मात्रा में होगा? लगभग 1500 के लगभग में होगा। क्या अनुमानित रेट होगा इसका? उसका 4700 रुपया रेट है। और कंपनी का ओरिजिनल का क्या रेट है? कंपनी का वही है, छोटा वाला का 20 रुपया पड़ता है, छोटा वाला मिलता है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। वहाँ सूचना गई थी। हम लोग रहते हैं मार्केट में, हम लोग रहते हैं और सेल्समैन के द्वारा भी पता चला। क्या लगता है कि डुमरी में और भी जगह ऐसा हो रहा होगा? अभी तो और कोई सूचना नहीं मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में भागीरथ महतो को नकली पुदीन हरा बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसकी झोपड़ी में छापेमारी कर नकली पुदीन हरा की शीशी, ढक्कन और रैपर बरामद किया गया। न्यूज़ डेस्क।